काम चला रही, आखिर हमें आना ही पड़ा। हाँ शेख जी हाँ। मैं डॉक्टर साहब इतना उठा रहा, बैठूंगा तेरे सिर पे। चल भाई चल, बाद में आ जल्दी, बाद में आइए। बैठा दे। शेख जी तसल्ली रखो शेख जी। क्या आना पड़ा? ये वही तो ना जिसे रूबी बता रही थी, जिसने रूबी को छेड़ा था। इसने कच्छा ही पहन रखा है और दाढ़ी भी है और सर पे टोपी भी पहन रखी है। रूबी कह रही थी, वो घराने को कह रहा था, इससे ही पूछता हूँ। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो डॉक्टर साहब? अच्छा तू एक बात बता, तू मेरी बीवी से मिला था? ओवे, इसकी बीवी को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, फिर मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं सच बोला तो अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोलना चाहे कुछ भी हो जाओ। हाँ, भाई साहब सही कह रहे हो। अच्छा तो तूने उसका हाथ पकड़ के बदतमीजी की थी? कब की थी, लेकिन मुझे तो झूठ बोलना, कह देता हूँ। हाँ, मिली थी साली बरगद दिखा रही थी। अच्छा फिर तूने उससे कहा था तू मेरी डार्लिंग है, तू मेरी महबूबा है, कहा था? हाँ, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। शेख जी ये क्या कह रहे हो तुम, बात तो चुप रहा। फिर तूने उससे कहा चल तेरे घर तक आ रहा हूँ और तू हमारे घर आ भी गया? हाँ, जो मैंने कह दिया वो सही कह दिया, तू का धार ले। अच्छा धार तो तुझे मैं दूंगा, हराम जादे। मुल्ला के बच्चे दूसरों की आती जाती बीवियों को छेड़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी इतनी सुंदर बीवी है, दूसरों की बीवियों पे बुरी नजर डालता है। आप क्या करते हैं, देख लो तुम्हारे सामने छेड़ने को कह रहा, इसमें हमारी क्या गलती है? तुम अपने घर जाओ। शेख जी तुम ये बदतमीजी नहीं छोड़ोगे क्या? नहीं छोड़ोगे भाईजान, इन्हें और ठोको। क्या कैसा ठुकवा दिया कम बखत, ठुकवा दिया। अरे क्या हो गया, क्यों पीट रहे हो इन्हें? रूबी ये वही बदतमीज है जिसने तुम्हें छेड़ा था। नहीं जी ये तो वो नहीं है, इस बेचारे को तो मैंने देखा भी आज ही है, अभी देखा है, वो तो कोई बेशरम लफंगा था, आपने इसे क्यों पीट दिया? ये क्या कह रही हो रूबी? भाई मुल्ला जी हमें माफ कर दो, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती आपकी नहीं डॉक्टर साहब, गलती तो इनकी है जो आपके हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, हम तो बस आपके पास दवा लेने आए थे। ठीक है भाई जान, चलो दवाई दुकान पे से दूंगा। उठा भी नहीं जा रहा, इतना पीट दिया दुकान पे से देगा दवाई, कम से कम दवाई भी नहीं देगा तू। मुझे माफ कर दो, अब नहीं बोलूंगी, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। अजय मुझे माफ कर दो, आप जैसे कहोगे वैसा ही करूंगी। भाई एक बात बताओ, इस गांव के हम प्रधान और घर में कुछ नहीं? सब कुछ ठीक था जब से रुखसाना घर में आई है, जब से बिगड़ा है सब कुछ। और मुझे अभी कुछ नहीं करने देती थी भैया। शेख जी मुझे माफ कर दो, जमीला बाजी मुझे माफ कर दो, मैं तो क्या मैं तो बाजी, जब तुम मुझे देखने गई थी तुम कह रही थी घर में मेरी चलती है। आए हाय बता, सही तो कह रही थी,
मेरी भाभी है वो। मैंने सोचा कभी मैं पीछे रह जाऊं। इन्होंने तो अपनी अपनी घमंड में हमें फंसा रखा है। मगर भाईजा एक बात है, तुमने भाभी को लत मारा। भाई हमने तो पूरा गांव को पागल बना रखा और इन्होंने हमें पागल बना रखा। भाई इनकी ये नहीं समझ में आ रहा, हमने तो सरकार गाँव वालों से अंगूठे लगवा लगवा कर सारे गाँव के पैसे हड़प कर लिए और गाँव वाले ले लट्टी ले ली यार। ये लो भाई जान। ले जमीला, अरे तेरी चाय हो गई या बीरबल की खिचड़ी? अरे सलमा आई भाभी। अरे चाय पकी या नहीं? कहाँ मर गई? अब तो इन लोगों ने कमाना भी शुरू कर दिया है। भाभी रुक्साना भाभी अपने कमरे में है और वो ये बोल रही है मेरी चाय मर्दान लेके आएंगे। अरे सेठ चिल्ली ये क्या कह रही है? चढ़ाओ चढ़ाओ और सिर पर तुम्हारे ही सर पे मोतेगी। चुप चुप शेख जी, जा उसे जाके समझा दे। ठीक है मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ, करता हूँ काम से। चाय बना के क्या कह रही तू? क्यों सबको अलग अलग बतानी पड़ेगी? पूरा घर ही पागल है, एक बार की समझ में नहीं आती। क्यों चिल्ला रहे हो? चाय नहीं लाए? खाली हाथ आए हो? शोर मचाना मुझे भी आता है। अरे से चिल्ली भाईजान, अरे भाईजान, और ये बोल कैसे रहा है? तमीज नहीं है से बोलने की? तुम कोई अहली मैली चीज नहीं हो, गांव के प्रधान है प्रधान, अवे तवे से बोल रहा। हाँ हाँ गलती है, गलती गलती है। हाँ। आपकी तरह तमीज से बोलना चाहिए। हाँ। चाय लेकर आओ। जा रहा हूँ। बैठे हो यहाँ, इसकी चोंच बंद करो। सलमा तेरी भाभी बुला रही, चाय भी अंदर जा। अरे क्या कह रही थी वो, कैसे बोल रही थी वो? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो भाईजान आपकी बड़ाई कर रही थी। प्रधान जी। वाह कौन है भाईजान, अंदर आ जाओ। राम राम जी। राम राम राम। बैठो 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 भैया आओ। मैं नुका रहा हूँ प्रधान जी, गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन का काम आपके प्रधान फंड से होगा और जिस पे आप साइन कर दोगे उन्हीं को पेंशन मिल जाएगी। अरे करना क्या है प्रधान जी को? एक रजिस्टर पे साइन अंगूठे जिनके लग जाएंगे उनके पैसे आपके खाते में चले जाएंगे, उन लोगों को आप बांट देना। ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में कर दूंगा। तो मैं चलूं? बैठो भाई, चाय नाश्ता लेके जाना। जमीला चाय बना के लाना। प्रधान जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और गाँव में भी जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पी लेना चाय। और तुम क्या बोले, चाय वो भी मेरे हाथ की? भूल जाओ, वो महारानी कल की आई हुई पलंग पे बैठ के चाय पीती है। खबरदार जो आज के बाद मुझे चाय के लिए बोला, आज के बाद खाना भी तुम बनाओगे या तुम्हारी बहन बनाएगी, समझ गए? चिल्ली ये क्या कह रही है, इसे क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ, रुकसान हो जाता ही, पता नहीं हवा सी भर रही है। प्रधान जी ये बीच में घुस गया, मेरा नंबर था। बता थोड़ी देर में आ जाएगा, बिल्कुल गर्म हो रहा। प्रधान जी ये कोई बात हुई? अरे तो क्या हुआ, तुम सारे भाई तो हो, तुमने तो शोर मचा रखा है सबने आपस में। तो फिर सबको लाइन से बुलाओ ना। तुम लाइन से नहीं बैठ रहे तो उसमें हम क्या करें? तुम तो सारे बदतमीज है, जाहिल हो, पागल हो। क्या कहा, हम जाहिल है, हम बदतमीज है, हम पागल है? तुम तो सारे बदतमीज है, साले भी दे दूंगा पेंसिल से, चलो अपने घर चलो। तुम बिल्कुल ही बदतमीज हो, साले की पेंसिल से काट दूंगा सबकी।
कभी ना काटे अभी तेरी प्रधानी निकाल दूंगा। मैं कभी ना निकाले, मैं साला तुमसे सब मूर्ख साला वोट तो मैं फिर भी ले लूंगा तुमसे। हम मूर्ख है, हम बताएंगे तुम्हें। मैं पागल बता रहा, मैं अकूब बता रहा, मैं आया प्रधान। अबे प्रधान के बच्चे, तुझे क्या जरूरत थी वहाँ फालतू बोलने की? तब कुछ से कुछ कह रहे, उनकी सुन लेता सालों की। अबे कुछ कमाना है तो सुननी पड़ेगी, यही मौका है कमाने का। हाँ हाँ, मौके बहुत आएंगे, जब तक मैं प्रधान हूँ मौके बहुत आएंगे। ऐसा करो, घर चल रहे वाले रोटी खाते हैं। चल भाई। कैसे बैठी हो भाभी? क्यों तेरी आँख फूट रही है, दिखाई नहीं देता? ऐसे बैठी हूँ। और बर्तन धो लिया तूने? नहीं भाभी। चल खड़ी हो, बर्तन धो। अभी धो। जा। कैसे बैठी है भाभी? इतने बड़े बाप की तो ना है जितना तू रोब जमा रही है। बड़े बाप की ना सही, मेरा आदमी प्रधान है। प्रधान? प्रधान है? हाँ। वो भी मेरे आदमी की बदौलत है कमीनी। कमीनी मत कह दियो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, और मैं तो ऐसी खाऊंगी आराम से। मुझे प्रधान चाय भी बिस्तर पे दे के गया। ठीक है, मैं भी कम नहीं हूँ, आने दो दोनों को, आज खाना उन्हीं से बनवाऊंगी। भाभी तुम ही चुप हो जाओ, भैया प्रधान है प्रधान, लोग क्या कहेंगे, प्रधान के घर में झगड़ा। भाभी तुम दोनों मत बनाओ खाना, मैं बना लूंगी। चुप कर सलमा, तू कब तक बनाएगी? आज फैसला हो के रहेगा। फैसला हो या ना हो, मेरा तो मन है नहीं काम करने का। खाना या तो तू बनाएगी या प्रधान बनाएगा। भैया तो ये आ गए, भूख लग रही है, रोटी बन गई तो रोटी देता, भूख लग रही है। हाँ भाई लाओ लाओ खाना, लाओ खाना, खाना है। खाना खाना खाओगे? ऐसा करो रसोई में जाओ, खाना बनाओ, खुद खाओ और हमें भी खिलाओ। अबे ये क्या हो गया तुझे, इज्जत भूल गई? भूली नहीं हूँ, अब याद आई है। तो तू अब खाना नहीं बनाएगी? नहीं बनाऊंगी। कर लो क्या करोगे? करते क्या, खुद बना लेंगे। क्यों भाई सेकू? आप जैसे बोलो भैया। भाई जी खाना तुम मत बनाओ, खाना मैं बना लूंगी। तू चुप कर सलमा, तू आराम से बैठ। तू बैठ, हम खुद बना लेंगे। चलो भैया, चलो भैया बना लेते हैं खाना, वरना कुछ होने वाला। प्रधान जी। हाँ जी भाईजान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे प्रधान जी आप खाना बना रहे हो, प्रधान जी क्या बीमार है? बस तुम अपना काम बोलो, हमारे घर का माहौल पूछना है। मैं बात पूछो, क्या पूछना? अजी गलती होगी प्रधान जी, मैं तो वो पिलसन वाला अंगूठा लगवाना था। अच्छा वो? हाँ जी। एक काम करना, हाँ जी। पूरे गांव के भी अंगूठा दस्तक तुम ही करवा के लिया ना। रुक्साना। हाँ। वो रजिस्टर ठाक ला अंदर से। ये नहीं ला सकती, खा खा के कटिया हो रही है, जा कटिया रजिस्टर ठाक ला। ये कटिया ना है, हमारी बहन है, जा ले आ। ठीक है जी, एक भी गलत होगा ना पूरी बिल्कुल तुझसे लूंगा। चलो भाई खाना बनाते हैं। बनाते हैं खाना भाई। अरे भाई आ जा, तुम्हारा शान मैं कुछ और करता हूँ, मसाला बनाता हूँ। ये तो करना पड़ेगा भैया, क्या करूँ सारा अच्छा बताइए। ले पकड़ ले। आटा छान रहे सिर रहे भाईजान, भाईजान जल्दी बना लो खाना, दोनों में हवा सी भर रही है वरना कुछ होने वाला। भैया दाल में सीटी आ गई, कर रही है फुर 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 कर रही है।
रोटी तो बिल्कुल मजबूत बनाई है, टिकाऊ बनाई है, खा के देखती हूँ। ये कैसा खाना बनाया है, इतना नमक फूक रखा है इसमें। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ना सिखाया, खाना बनाना भी नहीं सिखाया, ऊँट के ऊँट हो रहे हो, गांव के प्रधान हो, ये रोटी भी जली भी बना दी, बर्तन भी साफ करके खाना नहीं बनाया, कितने गंदे बर्तन हो रहे हैं। भाभी जैसी पक गई वैसी खा लो ना। सलमा तू बीच में मत बोल। अबे हमें तो बोलने का मौका दे दो। आज अच्छी बनाएंगे, हमारी तो भाभी बनाती थी, पता नहीं से क्या हो गया। जब दोनों की कमाई खाएगी तो पकाएगी नहीं। क्या कह रही है हराम जादी, अभी बता दूंगी। अरे खाना तो खा लो। आराम से खा लो, तुम पे खाया भी नहीं जा रहा। क्या कहा? खा लो, हमें तो गांव में काम से जाना। हाँ जाओ निकलो। क्या कह रही थी तू प्रधान के सामने? प्रधान के सामने? हाँ प्रधान के सामने। क्या मैं तो तेरे आगे भी बोल रही थी। सुतरी तेरा मुंह पीट दूंगी ज्यादा बोलेगी तो। मैं कह रही हूँ कल की आई हुई बात बना रही है, मान जा अभी बता दूंगी तुझे। मान जा, देखियो मान जा, पकड़ इसे, पकड़ इसे, छोड़ दे इसे, पकड़ छोड़ दे इसे, इसे क्यों मार दिया तू? मान जा, मार तो छोड़ेगी क्या इसे, छोड़ दे, चल हट पर, ले जा इसे यहाँ से, चल चल अंदर चल। बोलने में तो बड़ा पल ले रही है। भैया प्रधान जी। हाँ। ये लग तो सरकारी आदमी रहा। हाँ लग तो सरकारी था, लोगों को क्या पट्टी पढ़ा रहे आयो, चल के देखते हैं। भाई तुम दिक्कत मत लो, सबको पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा प्रधान फंड से। ठीक है। और सर सेक्रेटरी साहब कैसे हो? कैसे क्या, तुम्हारे गांव वाले लोगों के साइन हो गए हो तो सबसे पहला पैसा आपके गांव वाले लोगों को मिलेगा। लाओ तो दे दो फिर। प्रधान जी चाय पिलाने के मारे हिंसे टरकाना चाह रहे हो? हम टरका रहे हैं तो गांव में फिर का है, गांव की समस्या देखा है गांव की। अरे वाह चाय पीने के बाद घर चलो, चाय पी के जब जाना जाओ, कागज कहां 10 तक के गाड़ी में कागज। ठीक है सलमा। ए सलमा। हां भाई जी। गाँव में साहब आए, चाय लाओ बढ़िया सी चाय लाओ। खबरदार जो चाय बनाई, अब पता चलेगा प्रधान और प्रधाननी को। प्रधान जी हमने सुना प्रधाननी आई है, उनके हाथ की चाय पियेंगे। वो प्रधानी की उंगली कट रही है, उंगली। हाँ जी उंगली कट रही है। मैं देखता हूँ। अजी रहन दो प्रधान जी, तुम कहीं मत जाओ, तुम साइन करो, पैसे लो, मुझे और गांव में भी जाना। ठीक है अपने साइन करवाओ और काम निपटाओ। ठीक है फिर मिलते हैं। अरे जमीला ये इज्जत करेगी हमारे लोगों के सामने, तुम्हें चाय के लिए कहा था पर कुछ नहीं। और एक बात सुन लो, मेरे कपड़े आने और सलमा के भी। मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं क्या इस घर में भाग के आई हूँ? तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? समझ के ही आई हूँ, वरना सारा काम टाइम पे होता। बस एक बात सुन ले, इसे इज्जत करनी जानती है तू, किसी को चाय ना पानी, मैं इस गाँव का प्रधान है। प्रधान खती अभी बनवा दो प्रधान, अगर तुम प्रधान हो ना तो मैं भी प्रधानी हूँ, प्रधानी। अरे भाई प्रधान तू इनके मुंह मत लग, चल गांव में चल रहे, चल जाओ, इन्हें तो मैं देखूंगी। अभी मिल गया चैन, आ गया सबर, सूट पहनूंगी, सूट पहन ले, जम्पर सिलवा ले। तू भी सिलवा ले सूट, मुझे ना भाई तुम दोनों फिर चालू हो गई, चलो अंदर। 2 घंटे हो गए बैठे, प्रधान जी भी आए नहीं। लो आ गए प्रधान जी, अब बोलो क्या बोलना है। बोलो। पर चुप क्यों हो गए, हमने सब सुन लिया। क्यों भैया? हाँ भैया, जो तुम लोगों ने अंगूठे लगाए हैं वो उल्टे लगा दिए। क्या अंगूठा उल्टा, वो कैसे प्रधान जी?
यार ये भाई भी हमारा रोज नए नए फलंतरे फांसता रहे हैं। क्या सोच रहे हो प्रधान जी? कुछ नहीं भाई, सोचना कुछ नहीं। जिन लोगों ने अंगूठे उल्टे लगाए ना, अब उन्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे जब ये कागज सूदे होंगे। क्या भैया? हाँ जी हाँ, सरकारी आदमी आके हमारे घर 4 बात सुना के गया। और बात सुन लो, और ये कहेगा जिसने अंगूठे लगाए साला पागल है बदतमीज है। क्या वो मुझे गाली दे रहा था? उसकी ये मजाल। गाली तो वो दे गई जो अंगूठे उल्टे लगवा दिए। तो अब हर घर से 100 रुपए देने पड़ेंगे। ओ भाई, हमें देने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे क्या कमी है। अरे एक बात सुन लो, हम तो उन आदमियों को चाय नाश्ता अड़गम सड़गम बीड़ी सिगरेट सब पिलाते हैं, और तुम्हारी खातिर पिलाते सब। क्या भैया, आगे तुम बताओ। हाँ भाइयो, हम बेईमान तो नहीं है। वो तो तुम ये सोच रहे हो जैसे वो हमारे घर में नोटों की गड्डी दे गया हो। भाई हमारा ये कहना है 100 रुपए अंगूठे में सही करवा लो, अभी टाइम है। ठीक है प्रधान जी, अब अपना सीधे करवा लो अंगूठे, इस पागल ने उल्टे जो लगवा दिए। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम पागल हैं? हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि अंगूठे भी उल्टे लगते हैं। भाई हम गांव के प्रधान हैं, हमारे सामने बोल रहा है। चलो भैया चलो। एक बात है भाई साहब, हम 100 रुपए गांव वाले से और लेंगे, साले हमारे काम आएंगे, प्रधानी का पूरा मजा लेंगे। मगर एक बात है भाई जान, हमारे घर में प्रधानी जी नहीं है। हाँ ये बात तुमने सही कही, जब से रुखसाना आई है जमीला भी काटने को आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। समझ में आ जाएगा, मैंने सारा प्लान बना रखा। क्या क्या भैया? वही मैंने दिशा सुधार पालन पास